हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं बाइक की बैटरी बार बार लो क्यों हो जाती है। सभी बाइक की नहीं होती, लेकिन सर कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि कोई कोई बाइक होती है उनकी बैटरी बार बार लो हो जाती है, चार्जिंग करने के बाद भी बार बार लो हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक अलग से बात करना चाहता हूँ। मैंने बाइक की बैटरी की चार्जिंग कैसे करना है, घर में भी आप बाइक की चार्जिंग कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाए, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस सभी वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कभी कभी बाइक की बैटरी बार बार लो क्यों होते हैं, बार बार यानी कम क्यों होते हैं, लो का मतलब कम कम उतरती क्यों है ना, इसका कारण अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले कारण हो सकता है वो बैटरी पुरानी हो सकती है। अगर बैटरी अगर ज्यादा पुरानी होगी, बैटरी के अलग अलग प्रकार है, जैसे पानी डालने वाली है या कैसे है उसके अनुसार है ना। यानी मतलब क्या है, बैटरी अगर ज्यादा पुरानी होगी तो उसका जो कैपेसिटी होता है, एबिलिटी बैटरी की है ना, वो कम हो जाती है, जिसके वजह से भी बैटरी कैसे लो हो जाती है ना, ये भी अलग से कारण होता है। दूसरा कारण क्या होता है, जो बैटरी को चार्जिंग करने वाला जो चार्जर होता है ना, रेगुलेटर होता है, चार्जर होता है ना बैटरी को चार्जिंग करना, वो अगर ठीक से काम नहीं करता होगा है ना, बैटरी को चार्ज ठीक से नहीं करता होगा, फिर भी आपकी बाइक की बैटरी अगर बाइक चलाते तो वो तो बाइक चलाते तो बैटरी तो कम कम होने वाले, लेकिन जो चार्जर है वो सही मात्रा में काम नहीं कर रहा है, तो जिसके वजह से भी यानी चार्जिंग नहीं दे रहा है बैटरी को, या बैटरी को चार्जिंग करे, इसके वजह से भी बैटरी बार बार लो हो जाएगी। और कारण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, किक से बाइक स्टार्ट होती है लेकिन सेल्फ से बाइक स्टार्ट नहीं होती है नहीं, क्योंकि सेल्फ से बाइक स्टार्ट होने के लिए उसका बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर बाई चांस 9-10 ऐसे नीचे अगर बैटरी का वोल्टेज है तो सेल्फ से बाइक स्टार्ट नहीं होती है ना। तो कभी कभी क्या हो सकता है, जो बैटरी का सेल्फ है ना, उसका वायर कहीं तो शॉर्ट भी हुआ सकता है ना, शॉर्ट अगर हुआ रहेगा तो फिर भी बैटरी तुरंत लो होते जाएगी है ना, यानी बैटरी का जैसे पॉजिटिव अगर हो जाएगा तो बैटरी लो हो जाती है, यानी बैटरी डायरेक्टली जीरो भी आ सकते है या लो भी हो सकते है, तो ये भी कारण है, तो उसे भी चेक करना पड़ेगा। सेल्फ का आपका जो कनेक्शन है वो ठीक है या नहीं, उसे भी देखना पड़ेगा। जैसे अलग से और कारण मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी बहुत से लोग क्या करते, ज्यादा बाइक नहीं चलाते, ये भी कारण हो सकता है। कोई कोई लोग 4-5 किलोमीटर ही बाइक चलाते हैं, ज्यादा ज्यादा 7 किलोमीटर चलाते, बाद में बंद करके रखते, यानी काम पे जाते आते ऐसे भी होता है, ज्यादा चलाते नहीं, इसके वजह से भी बैटरी ज्यादा चार्जिंग नहीं हो सकती है। चार्जिंग हुई है लेकिन जितना चाहे वो कैपेसिटी होल्ड यानी पकड़ के नहीं रह सकते अपना वोल्टेज को, करंट को, तो वो भी बैटरी लो हो सकती है, ये भी एक कारण है उसका। और अलग अलग कारण है, जैसे कि बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक ब्लैक वाला होता है वो निगेटिव, रेड वायर का जो होता है वो पॉजिटिव, ऐसे दो टर्मिनल होते हैं बैटरी में है ना। तो बैटरी के टर्मिनल के ऊपर अगर सल्फर आ गया है ना, या बाइक ज्यादा करके जैसे हम लोग जंग लग गए ऐसा बोलते हैं ना ज्यादा, तो ऐसे हो यानी कार्बन भी आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है ना बैटरी में से, तो जिसके वजह से भी बैटरी लो हो सकती है, यानी जितना चाहे उतना बैटरी एबिलिटी नहीं पकड़ सकती, यानी होल्डिंग नहीं कर सकती चार्जिंग के बारे में, तो बैटरी बार बार लो होने का ये भी एक कारण है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टर्मिनल है उसको खरोचना पड़ेगा, जो भी ब्लेड होगा या स्क्रू ड्राइवर होगा, पेचकस होगा, जो भी चीज है कोई भी, या छुरी भी है, उससे थोड़ा सा उसके जो टर्मिनल होते बैटरी के वायर निकालने के बाद, वायर को भी तो वायर के भी टर्मिनल को थोड़ा खर्चो, और जो टर्मिनल होता है बैटरी के पॉजिटिव निगेटिव वाला तो उसको भी थोड़ा खर्च कर दो, यानी सफा कर दो, उसके ऊपर जो जंग बैठा होगा या सल्फर की मात्रा आई होगी या बाई चांस कार्बन आया होगा तो उसे सफा करना चाहिए, जिससे बैटरी अच्छा चार्जिंग भी हो जाएगी और जल्दी लो नहीं होगी। लेकिन कभी बैटरी अगर अच्छी होगी तो ही लो नहीं होगी, बैटरी अगर खराब है, उसके अंदर का कंपोनेंट से आगे खराब हो गया तो वो भी एक कारण हो सकता है। जैसे अभी जो मैंने बात बताया, तो बैटरी के अंदर जो लिक्विड है उसका लेवल अगर ठीक से नहीं होगा फिर भी जल्दी लो हो जाएगी बैटरी, ये भी कारण है। तो अगर पानी वाली बैटरी है तो उसमें थोड़ा सा पानी हमें डालना पड़ेगा है ना, ये हिसाब से बैटरी, या उसका जो अंदर का जो कॉइल है वो अगर ठीक से है क्या नहीं,
उसके वो अलग से अगर बैटरी होगी तो उसको भी देखना पड़ेगा, वो भी कारण है। ज्यादा करके क्या करने का, बैटरी को चार्ज करने का मैंने अलग अलग प्रकार के वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर वो चार्जिंग करने के बाद भी अगर बैटरी अगर ज्यादा लो होती है तो आपको क्या करना है, दूसरी आपका अगर कोई दोस्त होगा तो उसके बाइक की अगर बैटरी होगी अच्छी वाली तो थोड़ा निकाल के अपने बाइक में लगा के देखना, यानी प्रैक्टिस करने के लिए कि वो भी लो होती है क्या, देखते है ना उस हिसाब से। अगर आपने आपके दोस्त के बाइक की बैटरी अगर आपने बाइक में लगा के देखने के लिए यानी चेकिंग के लिए अगर लगा दी और चालू किए बाइक, उसमें भी अगर बार बार अगर लो हो रही है, उसकी भी बाइक की बैटरी अगर लो हो रही, इसका मतलब क्या सोचना है कि बाइक में कुछ न कुछ शॉर्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, ये बात सोचना है ना, या जो चार्जर है उसका प्रॉब्लम हो रहा है, जो चार्जर होता है वो चार्ज नहीं कर रहा है ना, रेगुलेटर चार्ज नहीं कर रहा है, तो रेगुलेटर को थोड़ा चेक करे करंट ठीक से आ रहा है या नहीं, है ना। उसके बाद अगर दोस्त का अगर दूसरे पास बाइक है तो उसका जो रेगुलेटर वो भी आप रिप्लेस करके भी देख सकते हैं, है ना। यानी इसमें बात कौन सी क्लियर हो जाएगी, आपका रेगुलेटर जो चार्जर है वो क्लियर है या बैटरी क्लियर है, ये दोनों में फॉल्ट किस में, एक जन में, वो बात क्लियर हो जाएगी जिससे कि ये बैटरी लो बार बार हो रही है। अगर आपके दोस्त की बैटरी अगर आपने रिप्लेस की है ना, रिप्लेस की है और उसकी बैटरी अगर लो नहीं हो रही थी तो क्लियर बात हो गए कि आपकी बैटरी है ना वो थोड़ी सी खराब होगी, उसकी कैपेसिटी खराब होगी, तो आपको बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यही अलग अलग प्रकार के रीजन थे कि आपकी बाइक की बैटरी बार बार क्यों लो हो सकती है, सभी बाइक की लेकिन कोई कोई बाइक की बैटरी बार बार लो होती है। और एक बात को मैं बताना चाहता हूँ, बाइक की बैटरी कोई भी प्रकार की बैटरी, जैसे बाइक की ऐसी नहीं, कोई भी अपने घर में भी जो भी बैटरी होगी इन्वर्टर की वो भी वो एक ही प्रकार होता है, दूसरा कुछ बात नहीं, 12 वोल्टेज की, वो ज्यादा दिन तक ऐसे ही नहीं रखना, उसको कंपेयर रखना है। जैसे कि समझो कोई कोई लोग 2 महीने के लिए गांव चले गए जिनके घर में इन्वर्टर है तो बैटरी भी थोड़ा लो हो सकती है या खराब भी हो सकती है, हाँ इसको याद रखना है। तो वही प्रकार है अपने बाइक की बैटरी का भी वही तरीका होता है, बाइक ज्यादा दिन तक खड़ी नहीं करना, अगर खड़ी करते तो बैटरी की जो एफिशिएंसी यानी क्षमता होती है, क्षमता ताकत स्ट्रेंथ वो लो हो जाते हैं, जिससे भी बाइक की बैटरी बार बार लो हो जाएगी, भले से चार्जिंग हो जाएगी लेकिन लो हो जाएगी। तो बाइक हमेशा अपनी चालू होनी चाहिए, ज्यादा करके 4-5 दिन का गैप नहीं होना चाहिए, अगर गैप होता है तो घर में रखे या जो भी शेड में रखेंगे, जो भी जगह पे आपकी बाइक है कम से कम 10-15 मिनट उसे चालू रखे या थोड़ा सा राउंड मार के आगे एक ही जगह पे रहेगा, फिर भी बाइक को थोड़ा चालू करके रखे, मिडल स्टैंड के ऊपर बाइक खड़ी करके और फर्स्ट गियर में डाल के बाइक को स्टार्ट करके छोड़ दे 10-15 मिनट, जिससे बाइक की बैटरी का लाइफ बढ़ेगा। नहीं तो बाइक अगर अपनी 2 महीना अगर खड़ी है तो बाइक गई सोचो, है ना, तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा, भले से साथ देगी लेकिन जल्दी लो भी हो जाएगी और खराब जितना चाहिए उतना हमें चार्जिंग नहीं देगी। तो अलग अलग प्रकार के मैंने बैटरी का लो होने का कारण बता दिया। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के मित्रों के साथ शेयर करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।